अस्सलाम वालेकुम, हम क्रिकेट लवर्स कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं। और बात तो हमने बस करनी है मैच के ऊपर, और आप लोगों ने मैच देखा होगा, इंडिया और इंग्लैंड का मैच कल फाइनल मैच था, तो आपको रिजल्ट भी पता है। इंडिया हैव वॉन द मैच, और बहुत ही मज़ेदार मैच था। जैसे कि मैंने कहा था कि ये एक तगड़ा मैच होने वाला है, और ये तगड़ा मैच ही हुआ, और दोनों टीम्स ने पूरा भरपूर कोशिश की मैच जीतने की। एंड ऑफ द डे जो है इंडिया इज़ द विनर। जी, बात करते हैं इंडिया की बैटिंग की, और इंडिया ने अच्छी बैटिंग की और शुरू में अच्छे रन्स किए। रोहित भी थोड़े रन्स कर गए, 35 रन के करीब किए, 35-37 रन के करीब रन्स किए, और उसने बड़ी अच्छी इनिंग खेली शेखर धवन ने, तो उनकी ओपनिंग स्टैंड अच्छा था। लेकिन बीच में विराट कोहली से रन्स नहीं हुए, और उनका जो मेन प्ले से पहले ऊपर 150 रन के ऊपर जो है 4 आउट हो चुके थे इंडिया के। यहाँ पर एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन इंडिया की बैटिंग के लिए क्रिएट हुई थी, और इंग्लैंड के लिए ये एक चांस हुआ था कि उनको 270-280 में उनको आउट कर लें, क्योंकि 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे उनके 150-155 में बता रहा हूँ जैसे मैं, तो यही एक चांस था इंग्लैंड के पास कि यहाँ पे अगर उनको 270-280 में आउट कर लेते तो उनके पास चांस था। और इंडिया का चांस यहाँ पे ये था कि यहाँ से उनका मिडल ऑर्डर जो है वो क्लिक करे और 300 प्लस की एक इनिंग लगाए, और वही हुआ। जी, अब आपको यहाँ ये देखना होगा कि इंडिया के यंगस्टर्स जो हैं, उनके जो यंग टैलेंट है, उन्होंने मिडल ऑर्डर में आके कितनी अच्छी बैटिंग की, जिसमें आप देख सकते हैं पंत जो के विकेट कीपर है, क्या क्लास छक्के मारे उन्होंने, 4 छक्के मारे, 78 रन्स किए अराउंड 46-48 बॉल्स के ऊपर। उसके बाद हार्दिक पांड्या को आप देख लें, वो ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भी करते हैं राइट हैंड से, उनको देख लें, उन्होंने 44 बॉल्स पे कुछ 68 रन्स बनाए हैं, इतने फास्ट उन्होंने भी 3 से 4 छक्के मारे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके यंगस्टर्स जो हैं वो मिडल ऑर्डर में आके पूरी इनिंग्स को संभाल लेते हैं, टीम की इनिंग्स को संभाल लेते हैं जबकि ऊपर सीनियर्स आउट हो जाएं, तो फिर ये एक बहुत बड़ी बात है। कहाँ ये 270-280 में शायद टीम आउट हो जाती, लेकिन अगर ये यंगस्टर्स रन ना करते। इसके बाद ठाकुर का नाम लूँगा, जो कि वो बॉलर भी हैं, ठीक है, उन्होंने भी 30 रन बनाए हैं 20-21 बॉल पर, उसमें भी तगड़े 3 किस्म के उन्होंने 3 छक्के मारे हैं बहुत अच्छे किस्म के। और फिर उसमें एक और नाम है जो के पांड्या हैं, कुणाल पांड्या, जो उन्होंने भी 20-25 रन किए उन्होंने भी, तो सब मिल मिला के एंड ऑफ द डे जो है इंडिया का टोटल जो है 329 रन हो गया, जो कि पिछले टोटल से 6-7 रन जो कम थे। तो लग ऐसे ही रहा था कि ये 6-7 रन जो का है डिफरेंस जो है वो कहीं जाके इंडिया को जो है भारी ना पड़ जाए, क्योंकि 6-7 रन पहले से कम किए हैं, तो पिछली इनिंग में इंग्लैंड ने ये मैच जीत लिया था इतने रन करके। बट ये गेम है, डिफरेंट डे के ऊपर डिफरेंट चीज़ें होती हैं, हर दिन के एक डिफरेंट वे होता है, हर टीम का एक दिन होता है। जी, बात करेंगे इंग्लैंड की बैटिंग की, तो एक तरह से फिर वही टोटल था 300 प्लस का टोटल, उसके लिए आपको पार्टनरशिप चाहिए, और पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी लंबे टोटल को चेज़ करने के लिए, तो वो हुआ नहीं। जेसन रॉय भी जल्दी से आउट हो गए, और जोनी बेस्टो जो कि लास्ट मैच के हीरो थे, जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी, वो भी जल्दी आउट हो गए, एक ही रन करने के बाद आउट हो गए। फिर उसके बाद लास्ट मैच के एक और हीरो थे बेन स्टोक्स, जिन्होंने 99 रन बनाए थे, और जब वो लास्ट टाइम आउट हुए थे तो उन्होंने, मैंने उनका ये एक्शन देखा, मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ, जब वो 99 में लास्ट मैच में आउट हुए थे तो उन्होंने ऐसे सर उठा के, यानी कि ऊपर वाले से कह रहे थे कि एक ही रन रह गया था मेरा, बट बहुत ही अच्छा लगा उनका ये एक्शन देख के। तो वो भी जो है 35 रन बना के शायद वो भी जो है वो आउट हो गए। तो बात यह है कि आपकी पार्टनरशिप नहीं लगेगी, ऊपर के 3 से 4 बैट्समैन पार्टनरशिप नहीं लगाएंगे, तो जो मिडल ऑर्डर पर आने वाले बैट्समैन हैं डेफिनेटली उनके ऊपर प्रेशर तो आना ही वाला है। और डेविड मिलान जो है उन्होंने 50 रन बड़े अच्छे रन किए, उन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप लगाने की कोशिश की, लेकिन उनके साथ दूसरे एंड से खड़ा होने के लिए कोई भी बैट्समैन नहीं था। बटलर जिनको के जो कि कैप्टन भी थे, उनको रन्स करने चाहिए थे, ये तो एक क्रूशल मैच था, लेकिन उनसे फिर रन्स नहीं हुए, 15 रन पे वो भी आउट हो गए। उसके बाद मोइन अली थे, और लिविंगस्टोन जो कि उन्होंने अच्छी नहीं खेली, 30-35 की नहीं खेली है, अच्छी नहीं खेली, लेकिन वो एक बहुत ही सॉफ्ट बॉल पे जो है शार्दुल के हाथ से कॉट एंड बोल्ड आउट हो गए, और वहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट था। अगर वो वहाँ पे एक लंबी पार्टनरशिप लग जाती लिविंगस्टोन की और इसकी डेविड मिलान की, तो एक गेम जो है और आगे जा सकती थी, लेकिन और उसके बाद फिर जो टेल एंडर्स स्टार्ट हुए तो सब बारी बारी इसी तरह आउट हो गए। जी, तो बात करेंगे लास्ट में जो इंग्लैंड इतना क्लोज मैच जो है लेके गया, विनिंग पॉइंट के ऊपर बिल्कुल क्लोज आ चुके थे, उसमें इंडिया की टीम की बॉडी लैंग्वेज भी थोड़े ओवर्स में ऐसा लग रहा था कि वो सोच रहे थे कि अभी मैच हमारे हाथ से निकल गया, बट एट दैट प्रेशर टाइम उन्होंने फिर भी अपने आप को वापस लेके आए गेम के अंदर। बट सेम क्रोन्स की मैं बात करूँगा, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग खेली, और 3-4 छक्के भी लगाए, और 95 रन उन्होंने किए, 83 बॉल पर 95 रन किए, और ये
एट नंबर पर आकर इतने 95 रन करना, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया। तो वो एक फास्ट बॉलर है, बॉलिंग में उनकी सीरीज़ के अंदर बहुत पिटाई हुई है, लेकिन उन्होंने इस बैटिंग करके ये बताया है अपनी टीम मैनेजमेंट को कि मैं नीचे से आके जब टीम को रन्स की ज़रूरत हो तो मैं रन्स भी कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है इंग्लैंड टीम के लिए कि एटलीस्ट अगर उनका कोई नीचे टेल अंडर जो बॉलर है वो अगर आगे इतने 40-50 रन्स कर सकता है तो ये उनके लिए एक बोनस पॉइंट है। तो सैम करन्स की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम होगी, क्योंकि अगर सैम करन्स 95 रन्स नहीं करते तो इंग्लैंड की टीम जो है वो बहुत पहले से ही आउट हो जाती और एक बड़े मार्जिन से वो मैच हारती। जी, एट द एंड ऑफ द सीरीज़ हम लोग बहुत जो क्रिकेट को देखने वाले हैं, क्रिकेट को खेलने वाले हैं, जो क्रिकेट को पसंद करने वाले हैं, जो क्रिकेट लवर्स हैं, उनके लिए ये एक बड़े मज़ेदार सीरीज़ थी, बड़ी टफ़ सीरीज़ थी। इंडिया के लिए भी मैं कहूँगा ये बहुत टफ़ सीरीज़ थी, बिकॉज इंडिया के अंदर आके खेलना, ये दोनों बड़ी टीम्स हैं, इंग्लैंड बहुत बड़ी टीम है, तो इंग्लैंड इंडिया के अंदर आके कोई भी टीम आके खेले उसके घर के अंदर और एक अच्छी परफॉर्मेंस और एक अच्छा टफ़ टाइम दे इंडिया की टीम को, दिस इज़ वेरी बिग थिंग। मैं नहीं समझता कि इंग्लैंड जो है ठीक है सीरीज़ हार गया, बट मैं ये समझता हूँ इंग्लैंड यहाँ से बहुत सारी पॉजिटिव जो है अपनी टीम के साथ लेके जाएंगे और उनकी टीम के अंदर बहुत पॉजिटिव जो है चीज़ें जो हैं हुई हैं, और बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में, व्हाट्स एवर हर तरह से पॉजिटिव चीज़ें हुई। मैच हारना एक समथिंग एल्स, सीरीज़ हारना समथिंग एल्स, बट उन्होंने जो क्रिकेट खेली है इंडिया के अंदर आगे, T20 सीरीज़ है जैसे, और ये ODI की सीरीज़ खेली है, फैंटास्टिक। और इंडिया की टीम तो ज़ाहिर है उनकी होम ग्राउंड है, उनकी कंडीशंस हैं, दे नो वेरी वेल, और उनकी टीम भी बड़ी स्ट्रांग है और उनके पास यंग टैलेंट है, और यंग टैलेंट उनको परफॉर्मेंस भी करके दे रहा है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, यंग टैलेंट के साथ साथ परफॉर्मेंस भी करके दे रहा है, तो इंडिया के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं समझता हूँ ये सीरीज़ जो है बहुत ही धमाकेदार सीरीज़ थी, बहुत ही कड़ाकेदार सीरीज़ थी, बहुत ही कहना चाहिए बहुत ही तगड़ी सीरीज़ थी। तो ये वर्ड याद रखें, मैंने ये वर्ड बड़ा मुश्किल से ढूंढा है और ये वर्ड मैं यूज़ करूँ, तगड़ी सीरीज़ का मतलब ये है कि दोनों तरफ से बहुत टफ़ थे, बहुत टफ़ टीमें थी दोनों, दोनों ने बड़ा मुकाबला किया। ठीक है, एंड ऑफ द डे किसी टीम को जीतना है, किसी को हारना है, बट सीरीज़ जो है बहुत ही अच्छे नोट पे ख़त्म हुई है। हमने भी कोशिश की, हम क्रिकेट लवर्स ने कोशिश की कि ये सीरीज़ को कवर करें, और जो भी हम कवर कर सके वही आपको हमने जो है उसके व्यूज़ बताए। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आप हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट्स पास करें इन द बॉक्स, और आप सबकी दुआओं से इंशाल्लाह आगे भी कुछ ना कुछ क्रिकेट के लिए करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।